मॉर्निंग एवरी वन, आई विश यू वेलकम यू हियर टूडे। सो गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर टोटली फिट एंड फाइन एट योर होम। सो गाइज, टूडे आई एम अगेन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। माई टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ वाटर। ओके, सो गाइज, डू यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर? आई थिंक नो। ओके, आई टेल यू, सोर्सेस ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी के स्रोत। पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? ओके, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल ऑफ अस। ओके, पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और हमारे लिए, है ना? सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड जनरल नॉलेज। मैं आपको जनरल नॉलेज में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, है ना, लेकिन ये वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमें पता होना चाहिए ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसका यूज़ क्या क्या होता है और इसको हमें कैसे सेव करना चाहिए, है ना? सो हम टुडे आई विल डिस्कस विद यू दिस टॉपिक कि हमें ये वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर का यूज़ हम क्या करते हैं और वाटर को हम कैसे सेव करते हैं। ओके, सो गाइस, लिसन बी केयरफुली एंड सी ऑल द पिक्चर्स। ओके, क्योंकि वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना? वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वाटर हमारे लिए नहीं बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, है ना? सो गाइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। सो वाटर हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए जरूरी होता है, इसके बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो सोर्सेस ऑफ वाटर, हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो मेनली हमें वाटर रेन से प्राप्त होता है। रेन मीन्स बारिश, जो बारिश का वाटर होता है वो मेन होता है सोर्सेस ऑफ वाटर, है ना? क्योंकि उससे हमें जो वाटर मिलता है वो हम सेव कर लेते हैं। कहाँ कहाँ सेव होता है ये हम आपको बताएंगे। सो वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है? वेल, यस, WELL, वेल। वेल मीन्स कुआं, हमें कुएं से वाटर मिलता है। आफ्टर दैट हैंड पम्प, HANDY, हैंड, PUMP, पम्प, हमें हैंड पम्प से भी वाटर मिलता है। ओके, आफ्टर दैट लेक, LAKE, लेक, लेक में होता है नदी, हमें यहाँ से भी वाटर प्राप्त होता है, मिलता है। ओके, आफ्टर दैट सी, SEA, सी, सी मीन क्या होता है? समुद्र, हमें समुद्र से भी वाटर मिलता है। ओके, आफ्टर दैट रेन, रेन हमने आपको बताया कि रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, हमें जो बारिश का पानी होता है ये मतलब मेन होता है। आफ्टर दैट रिवर, RIVER, रिवर, रिवर मीन होता है नदी, हमें यहाँ से भी वाटर मिलता है। आफ्टर दैट पाउंड, POND, पाउंड, पाउंड से भी हमें वाटर मिलता है। ओके, पाउंड के अलावा टैप, टैप हमारे घरों में होता है, है ना? जब भी हमें ज़रूरत होती है टैप ओपन करते हैं हमें पानी मिल जाता है। TAP, टैप, टैप मीन्स नल। उसके अलावा भी हमें ट्यूब वेल, TUBE, ट्यूब, WELL, ट्यूब वेल से भी हमें वाटर मिलता है। ये वाटर हमें कहाँ से होता है? तो अंडरग्राउंड होता है। सो वी गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन, जैसे कि हमने बताया कि रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। मेन जो हमारा वाटर हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है? रेन से। द रेन वाटर कलेक्ट इन रिवर, और रेन का वाटर कहाँ कलेक्ट होता है? रिवर्स में, है ना, नदियों में इसका वाटर कलेक्ट होता है, लेक में कलेक्ट होता है, स्ट्रीम्स में कलेक्ट होता है एंड पॉन्ड्स में भी रेन का वाटर कलेक्ट होता है। ओके, तो मेन हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है? रेन। वी मेक वेल्स टू यूज दिस वाटर, और हम कुएं भी बनाते हैं वाटर के यूज़ के लिए, है ना, कुएं से भी हमें वाटर मिलता है। वी टेक आउट दिस वाटर बाय यूजिंग अ हैंड पैप एंड ट्यूब वेल, जैसे कि हमने बताया हैंड पैप और ट्यूब वेल से भी हमें
वाटर मिलता है। वी टेक आउट दिस वाटर बाई यूजिंग अ हैंड पंप एंड ट्यूबवेल। हमें जब वाटर की ज़रूरत होती है तो हम किसका यूज़ कर लेते हैं, हैंड पंप और ट्यूबवेल का। और ये वाटर हम कहाँ स्टोर करते हैं, अपने घरों में जो रूफ में हमारे टैंकर्स होते हैं, वाटर टैंक, उनमें हम ये पानी अपना स्टोर कर लेते हैं। ओके, देखते हो आप घरों में रूफ में टंकियाँ रखी होती हैं, उसमें हम पानी स्टोर करते हैं और फिर हमें जब ज़रूरत होती है तो हम टैप ओपन करके पानी का यूजेस कर लेते हैं। तो हम अपना जो घरों में पानी कहाँ स्टोर करते हैं, वाटर टैंक में। ओके, आफ्टर दैट पाइप्स ब्रिंग दिस वाटर टू आवर टैप्स, और पाइप्स की सहायता से ये वाटर टैप्स में आ जाता है। और जब हमें किसी भी काम के लिए ज़रूरत होती है वाटर की, तो हम टैप को ओपन करते हैं और आराम से अपना काम कर लेते हैं। तो जब हमने वाटर टैंक में पानी स्टोर किया, फिर पाइप्स की सहायता से हम पानी अपने टैप में इजीली ले लेते हैं और सारा वर्क कर लेते हैं। इट्स क्लियर, समझ में आया आपको? उसके अलावा हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए, है ना। वाटर हमें क्लीन क्यों पीना चाहिए, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो, हम सीक ना पड़े, है ना। तो हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए। दिस वाटर इज़ नॉट क्लीन, अगर वाटर क्लीन नहीं है, सो बिफोर वी ड्रिंक दिस वाटर, आपको पीने से पहले आपको देखना चाहिए, मस्ट टेक श्योर, और आपको ये श्योर कर लेना चाहिए कि वाटर क्लीन है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे आप क्या पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। डू नॉट वेस्ट वाटर, हमें कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही प्रीसियस है। ओके, वाटर इज प्रीसियस, डू नॉट वेस्ट इट, हमें उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कीप द टैप क्लोज व्हेन यू आर यूजिंग, अगर आपको टैप को तभी आप ओपन करें जब आपको काम हो, अदरवाइज आपको टैप को क्लोज रखना चाहिए। ओके, अगर आपके टैप लीकिंग है या पाइप्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आपको तुरंत रिपेयर कराना चाहिए, है ना। नॉट यूजिंग होस पाइप्स टू वाटर द प्लांट फॉर वाटर द कार, हमें कभी भी ये नहीं कि हम प्लांटिंग पानी दे रहे हैं या अपने कार को साफ कर रहे हैं, तो वाटर को हमेशा ओपन नहीं, टैप को हमेशा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, काम करने के बाद उसको बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा हमें वाटर का यूज़ हम वेजिटेबल को वॉश करने के लिए करते हैं, बर्तनों को साफ करने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं। तो जब भी हमें कोई काम करें, उसके बाद हमें टैप को क्लोज कर देना चाहिए। और हम गार्डन में अगर प्लांट्स हैं, तो उसमें भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि बहुत सारे जगह से हमें पानी मिलता है, लाइक रेड रिवर, पाउंड, लेक, वेल, हैंड पंप, ट्यूब वेल, है ना। और अपने हम टैप वाटर टैंक में भी वाटर को सेव कर लेते हैं, फिर हमें टैप से भी वाटर मिलता है। तो हमें अपने वाटर को हमेशा क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, है ना। टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़, हमें कभी भी अगर पानी का यूज़ नहीं करना है तो अपने टैप को बंद रखना चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू ओवरफ्लो, है ना, एंड कीप द टैप क्लोज वाइल ब्रशिंग, यूज अ बकेट ऑफ वाटर टू बाथ, हमें हमेशा नहाने के समय बकेट का यूज़ करना चाहिए, ब्रश के समय हमें टैप को बंद रखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम अपने वाटर को सेव रख सकते हैं, क्योंकि वाटर इज द प्रीसियस। ओके, वी नीड टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना। सो हमें वाटर को सेव रखना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने बहुत सारे ये पढ़े, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी मीट नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस।